ओके फ्रेंड्स, मैं हूँ रामकांत नेचर प्लेसी वीडियोज की तरफ से, और आज हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के जरिए कोर कटिंग किस तरह से की जाती है इसमें लेंटर में, और उसके बाद ये जो रेन हार्वेस्टिंग का जो ये पाइप है, बाकी इसका बाथरूम का पाइप है, ये इस तरह से किस तरह से पास होंगे इसमें से। ये जी आप खड़े, ये खड़े हैं दीपक, मिस्टर दीपक एंड मिस्टर कुंदन, तो ये ड्रिल, इस ड्रिलिंग मशीन के बिल्कुल माहिर लोग हैं। और इस पहले तो इस ड्रिलिंग मशीन के बारे में बता देता हूँ जी। ये ड्रिलिंग मशीन हो गया, ये इसका एडजस्ट करने का हैंडल, और ये इसका ब्लेड, और ये जो इसका स्टैंड, और बहुत बढ़िया ज़रूरी बात है कि इसके स्टैंड को अगर इसमें अच्छी तरह से यहाँ पर एक होल बनाया जाएगा, होल बनाने के बाद वो बड़ा सा बोल्ट का है, होल बनाने के बाद ये मशीन, ताकि वाइब्रेशन नहीं हो, ये बड़ा सा 3 इंच का होल बनाया जाएगा लेंटर में। लेंटर है जी 6 इंच का, ये ड्रिलिंग मशीन है, ये फास्टनर है। और ये फास्टनर है, ठीक है, वो ये 3 इंच का होल बना के इसको इसमें फिट कर देंगे, ताकि ये मशीन बिल्कुल टाइट रहे और वाइब्रेशन नहीं आए जब हम इसको ड्रिलिंग करेंगे। अभी ये ड्रिलिंग शुरू करेगा होल मारने के लिए, और उसके बाद अगली वीडियो में किस तरह से ये मशीन फिक्स हो जाएगी वो आपको दिखाएंगे। ये आज का वीडियो, अभी इसमें आज के वीडियो में हैं जी कुंदन जी और दीपक जी, ठीक है। चलिए कुंदन जी शुरू कीजिए। ये जी ड्रिलिंग मशीन के लिए पावर सप्लाई ली गई है, ये अपना तार जोड़ रहे हैं, हाँ उन्होंने चेक किया है। आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रिलिंग किया जा रहा है। इनफैक्ट जो ये 6 इंच लेंटर में 3 इंच ड्रिलिंग किया जाएगा, जब इसका काम हो जाएगा तो इस होल को भरना चाहिए, ताकि पानी लेंटर में नहीं जाए। यस, ये देखिए अभी दीपक जी चेक कर रहे हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट लगभग 3 इंच का ड्रिल कर दिया है। वेरी गुड, अब ये देखिए फास्टनर इसमें घुसा दिया, ये इससे फास्टनर से इंटैक्ट रहेगा, ये देखिए वेरी गुड, बिल्कुल हिलेगा नहीं, ये सेल्फ लॉकिंग टाइप है। वेरी गुड कुंदन जी, बहुत बढ़िया, ये दोनों प्रोफेशनल हैं, इनका करीब करीब एक्सपीरियंस है 8-8, 10-10 साल का, और दीपक जी का तो बहुत ज़्यादा है। और ये यहाँ पर जो ट्राई सिटी में पंचकुला के पास कालका शिमला हाईवे पे है, तो ये यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन रहता है यहाँ की कॉलोनीज में, तो इनको काम बहुत अच्छा चल रहा है, और एक्सपीरियंस में तो कोई कमी नहीं है। ये देखिए ये फास्टनर, इसने मतलब इसका जो बेस है जहाँ पे स्क्रू होगा, उसका जो फीमेल पार्ट है वो उसके लेंटर के अंदर चला गया है, अभी ये निकाल रहे हैं उसको, ये देखिए किस तरह से, वेरी गुड, ये निकाल दिया, और अभी यस अभी ये चेक कर रहा है जो बड़ा सा बड़ा फास्टनर जाएगा इसमें स्क्रू जाएगा, वेरी गुड, ये उसने उसमें डाल दिया, टोटली टेक्निकल पीपल। लगभग 3 इंच ये इसके अंदर चला गया, और अभी ये मशीन का जो ये है स्टैंड, इसमें फिक्स करेंगे, ये देखिए
आप फ्री हो के कीजिए काम, कोई ऐसी बात नहीं है। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है इसका साइड व्यू ये है जी, हिल व्यू पीछे की साइड में जिसको बोलते हैं मोनी हिल्स, और ये एक कुशल्या रिवर कुशल्या डैम की तरफ से आती है। आप देख सकते हैं थोड़ा सफेद के पेड़ के थ्रू थोड़ा पानी, ये देखिए वाइट कलर का बहता हुआ पानी, ये इधर कॉर्नर से, और नीचे हरा भरा पार्क है, बड़े पेड़ हैं, और इस साइड में आप देख सकते हैं हिल व्यू एक, और वो ये कुशल्या रिवर आ रही है आप देख सकते हैं। अभी दीपक जी ने मेरे को इशारा कर दिया है ये स्टैंड किस तरह से फिट करते हैं, ये देखिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया ये स्टैंड फिट हो गया जी। दीपक और कुंदन इस काम के माहिर हैं, ये देखिए। अब ये मशीन मेन इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, ये मशीन ब्लेड के साथ, ये जो इसका सर्कुलर ब्लेड बता देता हूँ, ये सर्कुलर ब्लेड है इसका, ये होगी जी ड्रिलिंग मशीन। उस साइड में मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा धूप आज, ये देखो जी इन्होंने सेट कर दिया बिल्कुल, अभी स्टैंड बिल्कुल हिल नहीं सकता, और ये ब्लेड अभी टच कर दिया किसको, लेंटर को, जहाँ पे आपको कोर कटिंग करनी है मीन्स ड्रिलिंग करनी है या होल करना है। अब स्टैंड को हिला के दिखाइए, ये दीपक जी बहुत ही बढ़िया बहुत, अभी वो लेंथ वाइज थोड़ा सेटिंग चल रही है आगे पीछे, अभी उसको टाइट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया यस फंटास्टिक। अब ये बिल्कुल इसके सीधे उसमें आ जाएगा, और इससे पहले कि मशीन शुरू करते हैं ऑन करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले जो कोर कटिंग की हुई है और पाइप डाले हुए हैं ये इसमें सीलन डल जाएगा, बिल्कुल लीक प्रूफ हो जाएगा ये जो बाकी ये आपको जो गैप दिखाई पड़ रहा है, और इसमें ये पाइप डालते हैं जी सुप्रीम कंपनी का अच्छे भले पाइप होते हैं, इसका 6 kg प्रेशर होता है, ठीक है जी, ये PVC पाइप है और ISI मार्क है। और अभी कुंदन जी हाँ जी ये देखो क्या कर रहे हैं, अभी मैं बता देता हूँ आप, ये कुंदन जी ने ये डाल दिया पाइप प्लास्टिक का पाइप, किसमें बाल्टी में, बाल्टी में है जी पानी, ठीक है हाँ, और ये पानी किस काम आएगा, जहाँ पे ये ब्लेड लगेगा चलेगा वहाँ पे कूलिंग का काम करेगा, ठीक है। ये तो अभी इसमें पंप लगाने की जरूरत, यह देखिए पानी निकला है, ठीक है, और ये पानी इसमें मशीन में फिट कर दिया, मतलब ब्लेड के ऊपर वाले हिस्से में वो फिट कर दिया इसने। अब थोड़ा साफ साफ दिखने दीजिए कुंदन जी, एक साइड बैठिए, वेरी गुड हाँ जी, बताइए बताइए हाँ वेरी गुड, और इसको इसको वेरी गुड हाँ, वो इसको ठंडा करता रहेगा, वेरी गुड। अच्छा इसको पानी को खोलने के लिए आपने वो खोल दिया, ये लाल से रंग की है हाँ, ये इसको बोलते हैं जी एक हैंडल समझ लो, नोब समझ लो अंग्रेजी में, ये खोल दिया कुंदन जी ने। अब ये मशीन तैयार हो गई है, ये दीपक जी और कुंदन जी ने ये मशीन बिल्कुल तैयार कर दिया, ब्लेड बिल्कुल नीचे टिका दिया है, और पानी भी, एक मिनट मैं पानी दिखा देता हूँ, हाँ पानी आने लग रहा है, ये आप देख सकते हैं, देखिए बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया है बिल्कुल। अब ये मशीन पहले तो वो स्क्रू डाल के फैसनर डाल के इसकी वाइब्रेशन नहीं आएगा, मशीन बिल्कुल सेट कर दिया, उसके बाद पानी का प्रबंध कर दिया कूलिंग के लिए, और इन्होंने मेजरमेंट ले लिया है, बाकी पाइपलाइंस की बिल्कुल बिल्कुल एक सीधाई में आएगा, और आपको मैं बता देता हूँ उसके बाद। अभी कुंदन जी आप ड्रिलिंग मशीन ऑन कर सकते हैं, वेरी गुड बहुत बढ़िया, देखिए यस ये हुई बात, वेरी गुड देखिए, वेरी गुड।
अच्छी तरह से घूम रहा है और ये बिल्कुल बिल्कुल स्लो स्लो प्रेशर डालते हैं ब्लेड के ऊपर ताकि लैंडर में कोई क्रैक नहीं आए और ये ब्लेड भी नहीं टूटे। तो और साथ के साथ पानी इसको कूलिंग करता रहता है, ठीक है। इसके लिए दीपक जी एक फोर घंटी के लिए करीब करीब कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगेगा, ठीक है। चलो हम कैमरा ऑन ही रखते हैं, आपकी मेहनत को मतलब पार्ट में नहीं बांटना चाहते। अभी करीब करीब 10 मिनट लगेगा, उसके बाद हमने जो नीचे कोर कटिंग की है ये इस तरह से ये सर्कुलर पीस निकल जाएगा कोर कटिंग वाला, ये आप देख सकते हैं। या कूलिंग के लिए बिल्कुल पानी जा रहा है। अभी ये लास्ट स्टेज में है, इसकी आवाज़ बदल गई है, लास्ट स्टेज में चल रही है। हाँ जी, हाँ, ये दीपक जी का कहना है कि सरिया जो लेंटर में है उसको काट रहे हैं। ये देखिए आप, इसमें सरिया रोड़ी बदरी सब है। ये देखिए आपको सरिया का निशान दिखा देता हूँ, ये ठीक है। तो जब सरिया कटता है तो तब इस पर लोड आ जाता है तो मशीन का आवाज़ बदल जाता है। उस टाइम पे कूलिंग के लिए पानी भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा मतलब वो यूजफुल रहता है। आपको मैं बता देता हूँ साथ के साथ, अभी तो ये पानी की बाल्टी ऊपर रखी गई है, ये ग्रेविटी से पानी आ रहा है मशीन में। जब पानी की बाल्टी को ऊपर रखने का प्रबंध नहीं हो तो ये मोटर फिट किया जाता है, ये सबमर्सिबल मोटर है, ये इसमें डाल दिया जाता है और पानी इसका ये कनेक्शन है। हाँ, अभी ये लास्ट स्टेज का एडजस्टमेंट कर रहे हैं नोब के साथ, वो जो काले रंग की है। यस, आप देख सकते हैं ब्लेड कितना मतलब है कम हो गया ऊपर जो बाहर दिखने वाला है। ये करीब करीब 6 इंच पूरे लेंटर को पार कर रहा है।
लिए क्या प्रबंध करके रखा आपने? ये नीचे नहीं गिरेगा जो ये पीस कट कटा है? ये तो नीचे गिर जाएगा जी। नीचे गिरेगा? हाँ जी। अच्छा, जो हम पिलर पे मारेंगे ना जी, हाँ, वो नहीं गिरेगा जी। ठीक है, ये नीचे की तरफ है ना, तो ये नीचे जाएगा। तो नीचे जाके किसी को लगे नहीं, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, सावधानी है जी। हाँ, तो थोड़ा नीचे उस लड़के को थोड़ा बोल दो, थोड़ा सावधान रहे, एक बार बोल दो, ऊपर खड़े खड़े ही बोल देना। यस, अब ये लास्ट स्टेज में कटने वाले, और ये दिखा नहीं सकते क्या बाहर निकाल के? पीस पीस को दिखा सकते हैं? हाँ, ये हुआ जी ड्रिलिंग का और जो भी कोर कटिंग का काम पूरा। अब ये ऊपर उठा रहा है ये पीस। क्या नीचे गिर गया क्या? यस, तो ये हुआ जी दीपक जी और कुंदन जी का बहुत बढ़िया काम, प्रोफेशनल काम बोल सकते हैं जिसको, टेक्निकल काम। ठीक है, तो मैं अभी इनसे, टाइम आ गया, इन्होंने इतनी मेहनत किया, दिमाग लगाया, टाइम आ चुका है कि मैं इनसे हाथ मिलाऊं। दीपक जी बहुत बढ़िया, और कुंदन जी बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो, इफ सो देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और एक बार अंगूठा दिखा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। हमने कोर कटिंग किया है अभी अभी, आपने जो वीडियो देखा उसका पार्ट टू मैं आपको बता रहा हूँ। कोर कटिंग के बाद ये नीचे उस मशीन से, जो कोर कटिंग के बाद नीचे गिर गया नीचे वाले फ्लोर पे, वो पीस मैंने मंगवा लिया है, वो पीस ये राजी बिल्कुल फ्रेश, और गिरते समय इसके दो टुकड़े हो गए इसका। ये कुंदन जी मापना है कितना है ये जी? ये 8 इंच ही है जी। 8 इंच? हाँ जी। तो देखो अभी यहाँ से पता लग गया कि पिछले ठेकेदार ने 8 इंच का लेंटर डाला है। डाला जी, हाँ, जी, हाँ जी। लगभग 6 इंच का होता है। हाँ, परंतु वो ऊपर नीचे थोड़ी सी वो परत वगैरह लगा के 8 इंच बन जाता है। हाँ, चलिए अभी ये तो पीस देख लिया इन लोगों ने, जो मेहनत किया था और मशीन ने जो कमाल किया है, अभी ये मशीन निकाल रहे हैं, और मशीन निकाल रहे हैं इसको, मशीन को वो स्क्रू, आपने उसका वो फास्टनर ढीला किया क्या? हाँ जी, ठीक है, ये लो। हाँ, ये जो हाइट एडजस्टमेंट का है, इसकी से सीधा मशीन निकाल रहे हैं, ये निकल गया बिल्कुल। अब ये देखिए, हाँ, ये होल बना दिया जी। देखो इसमें वो जो पीस दिखाया है यहाँ से बिल्कुल यहाँ से कटा है, और कोई साइड में क्रैक वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, ये है जी कमाल इस मशीन का। ये था जी हमारा पार्ट टू। थैंक यू वेरी मच।